राजधानी शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा में बदलाव करने जा रही है। सरकार 1600 से अधिक स्कूलों को इम्प्रूव करने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। एक एक क्षेत्र में कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मैं समझता हूँ आज समय की आवश्यकता है कि हम अपने सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, कंसोलिडेट करें, उसका सशक्तिकरण करें, क्योंकि वर्तमान में अगर आप पूरा हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या की बात करेंगे, लगभग कुछ 16,000 से अधिक हमारे सरकारी संस्थान हैं। लेकिन आज आवश्यकता हो चुकी है कि समय के अनुसार इस तरह से, एक तरह से इनरोलमेंट में भी कमी आई है, बेहतर सुविधाएं बच्चों को मिले, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उनके पास उपलब्ध हो। और इस विषय को लेके जब हाल में फाइनेंस कमीशन का भी हमारा हिमाचल का दौरा था, शिमला का दौरा था, काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई, उनकी तरफ से भी सुझाव आया है जो पहले से ही मैं समझता हूँ हमारे विचाराधीन है कि हमने जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की, और नज़दीक में ही उदाहरण के तौर पर 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा हमारे पास वहाँ पर पाठशाला है, तो हम ऐसे स्कूल्स को मर्ज करें। तो इस सोच के साथ पिछले वर्ष भी हमारे कई आपके less than 2, जहाँ पर 2 या 2 से कम बच्चे थे, डिस्टेंस भी नज़दीक था, तो इन स्कूल्स को मर्ज किया गया। 0 इनरोलमेंट के भी कुछ स्कूलों को मर्ज करके लगभग ये संख्या 700 के आसपास बनती है। और इस वर्ष भी मैं समझता हूँ हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हमारी स्टाफ का कमी है, जहाँ बैच वाइज के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी अपनी ये खाली पड़े पद है उनको भरने की कवायद प्रारंभ है, साथ ही साथ युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, जहाँ पर मैं समझता हूँ इनरोलमेंट कम है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 2 या less than 2 की बात कही है, वहाँ का स्टाफ हमारे उन स्कूलों में जाए जहाँ पर आपकी संख्या ज़्यादा बनती है। तो इन टोटल लगभग कोई 700-800 स्कूल है जहाँ पर हमारी संख्या बच्चों की काफ़ी कम है, और प्रथम चरण में हम उन्हीं स्कूल्स को चिन्हित करेंगे जहाँ पर आपका डिस्टेंस आपका 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। इस सोच के साथ हमारा विशेषकर क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में अधिकतर स्कूल है, हमारा डायरेक्टरेट अपना प्रारूप तैयार कर रहा है और शीघ्र में इसमें स्टेंस के बारे में हम निर्णय लेंगे। असल जो डिस्टेंस तय किया गया है, जैसे ग्रामीण इलाकों में काफी दूरी पर भी स्कूल्स हैं और एनरोलमेंट काफी कम है, तो उनके लिए कुछ आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग अब ये मानकर हम कह सकते हैं कि 100% के आसपास हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है, मात्र कुछ हमारे मैं समझता हूँ ट्राइबल एरियाज में ऐसे क्षेत्र रहे होंगे, लेकिन इसमें भी जैसे मैंने पहले कहा 1.5-2 किलोमीटर के आसपास का हमने डिस्टेंस रखा है, बच्चों को भी असुविधा ना हो, लेकिन बच्चे वहाँ पर मात्र मैं समझता हूँ स्कूल खुले रहे, टीचर वहाँ ना हो, उनके एक तरह से हाजिरी तक सीमित हो, उसका भी मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस उन बच्चों के साथ होगा। स्कूलों का अर्थ है कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमारी मैं समझता हूँ टीचर्स की संख्या हो, और इस सोच के साथ ही लगभग जो 2200 के आसपास जो हम पिछले वर्ष से लेके अपनी बैच वाइज रिक्रूटमेंट का हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था जिसके माध्यम से 2200 टीचर हमारे को मिल रहे हैं, इसमें भी हमने एक मैं समझता हूँ पैरामीटर तय किया है कि विदाउट टीचर स्कूल जिनकी संख्या लगभग कोई पूरे प्रदेश में 350 के आसपास बनती है, सिंगल टीचर स्कूल्स और उसकी संख्या भी लगभग कोई 3100-3200 के आसपास है, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 850 के आसपास जो हमने नोटिफाई किए हैं, हम इन तीनों मैं समझता हूँ स्कूलों को प्राथमिकता देंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिकतर इन पदों को भरा जाए, क्योंकि अधिकतर पद हमारे दुर्गम क्षेत्र जैसे आपने भी कहा जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो शीघ्र मैं समझता हूँ जैसे हमारा इसके बारे में जो हमारी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है ये बहुत ही शीघ्र मैं समझता हूँ सार्वजनिक हो जाएंगे और इन सभी हमारे टीचर्स की सेवाएं क्षेत्र में ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।